अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। किस तरह की गुंडागर्दी पूरे शहर में चल रही है देख सकते हैं। ये स्कूली बच्चे हैं और इन स्कूली बच्चों को 30-35 का गिरोह मिलकर हथियारों से हमला करता है। दो बच्चे जो है, स्कूल पढ़ने वाले बच्चे तलबा जो है, शदीद जख्मी हुए हैं, सिविल हॉस्पिटल में आए हुए हैं। यहाँ पर उनकी MLC भी हुए और फरियाद भी दर्ज करने जा रहे हैं। बोलो तुम्हें क्या क्या हुआ, कैसा हुआ तुम्हें? वो फर्स्ट एग्ज़ाम को हम गए थे तो वो एक मराठी मीडियम का स्कूल का बच्चा निकला, तो उन्हें हमारे को गाली दिया। तो हम सब लोग जाके उसको पूछे, भाई तू क्यों गाली दिया? तो वो बोलने लगा, तू लास्ट एग्ज़ाम को मिल, हम दिखाते तेरे को ऐसा ऐसा। तो आज लास्ट एग्ज़ाम था, तो बाद में आज आने के बाद ऐसा आके सीधा हम बात कर रहे थे उनके साथ, भाई ऐसा नको, तो वो लोग आकर सीधा मारामारी चालू करे और कौन बीच में से चाकू वगैरह निकाला मालूम नहीं, लेकिन मार के चले गए। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? लुकमान। लुकमान, बोलो क्या क्या हुआ? हाँ, वैसे ही ये जो कहे वही हुआ। वो 40 कुछ लोग थे, हम 10 ही थे सिर्फ। इसको ये कुछ में एक किस्में भी नहीं था, इसको खींच के मारे बेवजह। वो कुछ हथियार वगैरह। तुम्हारा नाम क्या? उजैर। देख सकते हैं कि उजैर को किस तरह से मारा, और यहाँ पर उनके साथ जो भी थे उन्होंने भी बताया कि किस तरह की गुंडागर्दी शहर में चल रही है। कोई भी आकर हथियारों से इस तरह से हमला करता है और इंतज़ामिया पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वो लोग जल्द गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, तो उसका इंतज़ार रहेगा, क्योंकि स्कूल पढ़ने वाले बच्चों पर तक हमले किए जा रहे हैं और उनकी जान को खतरा है। क्या इस पर इंतज़ामिया, अदलिया इस पर कार्रवाई करेगी क्या? जिस तरह से 25-30 का गिरोह आकर हमला करता है, तो ये अथर के वालिद हैं और उन्होंने जो है इनको छुड़ाने की कोशिश की, वो दरमियान जाकर सुलह करने की कोशिश की, लिहाजा इनके ही हाथ पर जो है जंबिया से वार किया गया। बताओ क्या हुआ? यानी आपस में झगड़ा चल रहा था, हम एग्ज़ाम होने के बाद मेरे बेटे के साथ रुका था, ये लड़कों का झगड़ा हुआ, छुड़ाने गए हम। छुड़ाने के जाने के बाद मेरे को ढकला निकला, ढकलने के बाद मेरा बेटा क्या, मेरे पापा को ये करे, वो भी आया, उसको मुष्टी से मारे इधर। मारने के बाद मैं मारे जो आदमी को पकड़ा ना, वो मेरे को जमी मारा हाथ को, और उसको पकड़ के भी कैंप पुलिस बोल के कंप्लीट देखिए, तकरार वगैरह नोट करके आए, देखेंगे अभी पुलिस क्या करते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सेंट्रल स्कूल के मराठा मंडल के बच्चे हैं, नहीं वो पहले गाली दिए, फिर बोले कि लास्ट एग्ज़ाम को मिल, और ऐसे अनएक्सपेक्टेडली मार के गए। की मारे उन्होंने? क्या तुम्हारे पहले से क्या भी दुश्मनी? नहीं नहीं, क्या नहीं, वजह क्या? खुद ही गाली दिए थे। क्या बोलो, क्या गाली दिया मालूम नहीं, लेकिन गाली देने में, बाद में कई को गाली देने मिलने में लास्ट एग्जाम को मिल बोले, फिर आके एकदम से मार के गए। कौन नामा मालूम है? नाम नहीं मालूम। किसको? एकला तो मिले क्या? नहीं पकड़े, सो तीन जन उसे भी मारे। नाम क्या? पहले दिन हमें, मैं और मेरे दोस्तों रुके थे, वो मराठी के लोग झुंड में जा रहे थे, फिर हम ना गाली देखो गए, फिर गाली क्यों दिए पूछने में, एग्ज़ाम के लास्ट दिन मिल बोल के बोले हम ना सबको। फिर एग्ज़ाम के लास्ट दिन उन्होंने कम से कम 30-40 जने हथियार लेकर आए थे, जम्बी और मुष्टी सी मारे, मजे और एक लेका सिर फोड़े सो है। अभी उन्होंने कम से कम 30 जने थे, हमें 10-15 जाने थे, हमने मिल को मारे, मजे अकेले को बीच में 6-7 जने खींच को मारे। रोज़े मैं रोज़े की हालत में था, सभी गैर मुसलमान मिल को मारे।